आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही डिलीशियस और यम्मी सी स्वीट डिश। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वीट डिश है। इस स्वीट डिश में क्या क्या जाने वाला है वो सारा मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो है ये घिया है, दूधी भी बोलते हैं, और ये मैंने कद्दूकस कर ली है, छील के और अच्छे से कद्दूकस कर ली है। बारीक कद्दूकस नहीं करनी है, मोटी कद्दूकस करनी है, तभी ये डिश बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना। ये देसी घी है गाय का, ये खोया है, और खोए की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो है ये फूड कलर है, फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर इसको डालोगे तो इसका ना कलर जो है, इस डिश का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा बनेगा। कहते हैं ना कि खाना पहले आँखों से खाया जाता है, तो ये डालोगे तो कलर इसका बहुत ही बेहतरीन होगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। और ये है इलायची पाउडर, और इसमें है देसी खांड, इसकी जगह आप चीनी भी डाल सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कहीं से भी अगर देसी खांड मिल जाए, ऑर्गेनिक खांड मिल जाए, वही आप यूज़ करो, ये बहुत ही हेल्दी है, तो आप ये यूज़ करो, बाकी अपनी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। और ये बेसिकली क्या बनेगा, जो बच्चे लौकी नहीं खाते हो ना, उनको ये डिश बना के खिलाना, ये बहुत हेल्दी भी है और स्वीट भी है, डिलीशियस भी है। तो ये है दूधी का हलवा, यानी घिया का हलवा। और घिया का हलवा मैं कई तरीके से बनाती हूँ, आज मैं एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और उसमें अपने ड्राई फ्रूट जो हैं वो शैलो फ्राई कर लेंगे, उसके बाद अपनी जो दूधी है वो डाल लेंगे। सबसे पहले एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे, और ये मीडियम आंच पे ही पकाने हैं, यानी शैलो फ्राई करने हैं। अब ये अपना कलर चेंज कर दिया है ड्राई फ्रूट ने, अब इसको निकाल लेंगे। और जो किशमिश है वो भी फूल गई है, ये देखो, तो इसको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में घी और डाल देंगे, दो बड़े चम्मच घी और डालेंगे। और इसमें डाल देंगे जो घिया कस के रखी है वो, और ये दो मीडियम घिया है, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कितना हलवा बनाते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप मीठा ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट ले सकते हो, और खोया आप कितना भी डाल सकते हो, आपकी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लेना। तो इसको भी हम मीडियम आंच पे ही भूनेंगे। अब ये देखो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और जब ये भुन जाएगा ना, उसकी क्या पहचान है, इसमें से ना बड़ी अच्छी सी सुंदी सुंदी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और इसका कलर बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाएगा। इसका बेसिकली हमने कच्चापन जो होता है ना वो हटाना है, और अच्छे से इसको भूनना है। अब ये देखो ये पूरा कलर चेंज हो गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और खोया डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहीं पे खांड डाल देंगे, चीनी है आपके पास चीनी डाल दो, खांड है तो खांड डाल दो, और जो चीनी है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। आप ज्यादा मीठा खाते हो ज्यादा डाल देना, हम कम मीठा खाते, बहुत ही कम मीठा खाते हैं, इसलिए ये 4 से 5 चम्मच चीनी खांड
मैंने डाल ली है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। कई लोग तो बहुत मीठा खाते हैं, अब ये थोड़ा लिक्विड ही हो गया है, अब गैस जो है वो मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। अब ये गाढ़ा हो गया है और थोड़ा सा कढ़ाई को भी छोड़ने लग गया है। अब यहाँ पर डाल देंगे फूड कलर, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और इससे कुछ नुकसान नहीं है, बस जो हलवा है ना वो बहुत ही देखने में बहुत लाजवाब बन जाएगा। और अब जो गैस है वो फुल कर दी है, अब यहीं पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट, थोड़े से बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। और यहीं पे डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आपने तब डालना है जब आपको लगे कि हलवा लगभग कंप्लीट हो गया है, नहीं तो जो इलायची का जो खुशबू है ना वो खत्म हो जाएगी। अब ये लगभग रेडी हो गया है, बस लास्ट में फुल फ्लेम पे एक बार इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि जो इलायची पाउडर है, जो फूड कलर है वो डाला है, वो अच्छे से हलवे में मिक्स हो जाए। अब इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, बस लास्ट में एक चम्मच छोटी घी की डालनी है ताकि जो देसी घी की जो खुशबू है ना वो और भी अच्छे से हलवे में आए। अब इसमें घी डाल देंगे, बस एक छोटी चम्मच डालना है ताकि हलवे में देसी घी की खुशबू बहुत ही बेहतरीन आए और बहुत ही लाजवाब बन जाता है जब लास्ट में एक चम्मच देसी घी डालते हैं सब्जी में या भी किसी भी हलवे में या किसी भी डिश में डालते हैं। अब ये देखो ये साइड से ना छोड़ने लग गया है हलवा कढ़ाई को, तो यहाँ पर कर देंगे गैस को बंद और इसको थोड़ी देर के लिए और ऐसे ही हिलाते रहेंगे ताकि जो कढ़ाई में ना नीचे लगे नहीं। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं, कढ़ाई से इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट हमने शैलो फ्राई किए थे वो डाल देंगे। तो ये हलवा हो गया है रेडी, और जो बच्चे या बड़े घिया न खाते हो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बना के खिला दो और ये हेल्दी तो है ही है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि घिया का हलवा है ये। तो चलिए फिर मैं इसका एंजॉय करती हूँ, तब तक आपने क्या करना है, आप ये हलवा ट्राई करो और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना है, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय बाय। और ये हलवा ट्राई जरूर करना, मुझे जरूर बताना आपको ये कैसा लगा।